नमस्कार और स्वागत ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इसमें हम डिस्कस करेंगे 9th कक्षा की जो एक्सरसाइज है, हमारी पृष्ठ क्षेत्रफल की 13.1। जिसमें है घनाभ का घन और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ जो है वो एक त्रिआयामी आकृति है, जैसे कि ये डब्बा है, ये है घनाभ आकार आकृति। इसकी लंबाई और फिर इसकी ये चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई, ये तीन विमाएं हैं इसकी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस तरह की जो आकृति है वो तो कहलाएगी घनाभ। और यदि ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएं इसकी, तो फिर वो कहलाएगी घन। तो पहले हम घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल करते हैं। जैसे ये घनाभ है तो इसकी ये जो सामने वाली सतह है हमारी, पृष्ठ क्षेत्रफल इसीलिए है कि इसके कई पृष्ठ हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पृष्ठ हैं इसके, ये और इसके सामने, ये और फिर इसके बिल्कुल सामने, और इधर से ये और इसके बिल्कुल सामने, और तीन तीन बराबर हैं ये, यानी ये वाला पृष्ठ और इसके सामने ये पृष्ठ, ये दोनों बराबर, ये वाला पृष्ठ और इसके बिल्कुल सामने ये पृष्ठ बराबर, और इसी प्रकार जो आप देखेंगे ये और इसके बिल्कुल सामने वाला ये पृष्ठ जो है वो बराबर। तो तीन तीन जो इनमें आपस में बराबर हैं, तो इस सारा जो क्षेत्रफल है इसका वो कहलाएगा इसका घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब होगा कितना, ये मान लिया कि ये इसकी लंबाई है इधर L, ये वाली, ये चौड़ाई है B से लिख लेते हैं, और ये ऊंचाई है H। तो इसके सामने वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, आयताकार है ये जो सामने वाला पृष्ठ हमारा आयताकार है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, इतना ही इसके सामने वाले का हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दो तो क्या आ जाएंगे, यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, दो तो आ जाएंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दो हो गए। अब आ जाए इस पे, ये जो सामने है इसमें क्या क्या आएगा, सामने वाले में एक तो ये लंबाई हुई, ये जो है तो लंबाई हुई, और ये आपकी हुई ऊंचाई, तो ये भी आयताकार है वैसे, इसका जो फेस है सामने वाली जो सतह आपको पृष्ठ जो नजर आ रहा है वो आयताकार है, तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी L गुणा H। और इसी प्रकार ये जो है ये इसकी चौड़ाई होगी B और ऊंचाई होगी H, इतना ही ये और इतना ही ये सामने, तो ये हो जाएगा वही, ये भी आयताकार है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई B गुणा H। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो तो हो गई आपके लंबाई गुणा चौड़ाई, इसी प्रकार दो आएंगे चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और दो आएंगे ऊंचाई गुणा में लंबाई, और दो यदि आप कॉमन ले लें तो ये फॉर्मूला बन जाता है LBBHHL। L का मतलब लंबाई, घनाभ की लंबाई, B का मतलब हुआ घनाभ की चौड़ाई, और H का अर्थ हुआ घनाभ की ऊंचाई। तो यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो दी हुई है, तो ये इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अब जो सवाल आप करेंगे उसमें जरूरी नहीं है कि ये भी रट लें कि यही लगना है, भाई यही पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आएगा। अब क्या होगा कि मान लिया कहे कि ये एक हमें बॉक्स बनाना है, ये ऊपर से खुला रखना है, इसका ऊपर नहीं बनाना है, तो ऊपर तो गत्ता नहीं लगेगा। जब ऊपर गत्ता नहीं लगेगा तो क्या होगा कि ये फेस यहां पर एक लंबाई गुणा चौड़ाई कम हो जाएगा, तो ये दो लंबाई गुणा चौड़ाई इनमें से एक कम हो जाएगा। इसी प्रकार मान लिया कि ये इधर वाला फेस हमें नहीं रखना है किसी कारण से, तो बी गुणा एच एक कम हो जाएगा, जो 2 BH हैं उसमें से एक रह जाएगा। तो वो जैसा प्रश्न होगा वैसा आप जो है वो हल करेंगे, वैसा यानी इस फार्मूले को चेंज भी करना पड़ सकता है। तो जैसे पहला सवाल है, पहला क्या कहता है ये,
1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है, यानी कि लगभग ऐसा ही एक डब्बा बनाया जाना है जो ऊपर से खुला रखना है। अब ऊपर से खुला रखने का मतलब ये ऊपर जो है यहाँ पर इस पे सीट नहीं लगनी है, तो क्या लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि ऊपर से खुला रखना है लेकिन तली तो बनानी है इसकी, तो ये जो 2 LB हैं इनमें से 1 LB जो ऊपर वाला वो कम हो जाएगा, तो क्या फार्मूला बन जाएगा। खैर पहले तो आप लिखें डब्बे की लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई आप इसको संकेत में लिखें L, ये हो जाएगा B, 1.25 मीटर, और ऊंचाई यानी कि H वो हो जाएगी 65 सेंटीमीटर। लेकिन क्योंकि बाकी भुजाएं हमारी जो है वो मीटरों में है और आगे ये घन वर्ग मीटर में ही आगे सवाल है, तो इसको मीटर बना लेते हैं, 65/100 से भाग करके ये भी हो जाएगा मीटर। तो तीनों दिया हुआ है। ये क्या कहता है, डिब्बा बनाने में आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, तो कितनी प्लास्टिक लगेगी, तो प्लास्टिक तो यही लगेगी बनाने में, ये लगेगी ये लगेगी ये लगेगी, लेकिन ऊपर से खुला रखना है, तो ये 2 LB यानी ये फार्मूला ना इस्तेमाल हो गए, क्या होगा कि LB एक कम करेंगे, तो इसलिए क्या होगा, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, तो ऐसा नहीं हमें करना कि भाई गनाब है ये और गनाब का क्षेत्रफल तो ये होता है, ये नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर से खुला रखना है, तो LB 2 की बजाय 1 रह जाएगा, यानी LB जमा, लेकिन ये दो दो ही रहेंगे, तो इनमें आप बेशक 2 कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 BH और HL, ठीक बात। यानी यहाँ LB 1 करना है, ये दोनों दो दो रहेंगे, 2 हमने कॉमन लिख लिया, और अब इनके मान रख दें, LB का मतलब 1.5 गुणा B है 1.25, इसमें जोड़ेंगे दुगुना BH, यानी 1.25 गुणा में 65/100 और जमा में HL, H है 65/100 और L है आपकी 1.5। तो ये गणना है, ये गणना यदि आप कर पाएंगे तो ये उत्तर होगा। तो कई तरह से आप कर सकते हैं, एक तो यही है कि आप सीधा गुणा ही कर लें, यानी 15 की गुणा कर दें 125 से, या फिर बटे 100 कर लें जैसे आपको सुविधाजनक लगता है, तो 15 5 75 हासिल 7, 15 2 30, 30 और 7 37, 15 1 15 और 3 18, 1875, दशमलव कहाँ आएगा, 2 स्थान, तो ये रहे कि ये 3 स्थान हो जाएंगे, तो 1.875 जमा 2, यहाँ भी 125 और 65 को गुणा कर लें, या इसको काटना चाहते हैं आप 25 पे इसको काट भी सकते हैं, इसको 125/100 करके, वो आप जैसे चाहें कर सकते हैं जी। तो 25 5 125, 25 चौके 100, और बाकी को गुणा कर लें, तो बेहतर तो ये था कि हम इसको फिर ना ही काटते, 5 पे ये 20 पे कटेगा, फिर 80 आएगा, तो चलिए 5 1 5 5 2 10, और फिर तो 5 पे और काट लेते हैं, 5 चौके 20 13, तो ये हो जाएगा आपका 13/16 जी, जमा, या इसको हम ऐसे भी कर सकते थे बिना काटे जो है वो गुणा ही कर लें, मेरे ख्याल से वो कैलकुलेशन हमारी कुछ आसान रहेगी, काटते हैं इनको, क्या है बी बी यानी कि 1.25 गुणा एच एच है 65/100, और 65/100 को यहीं लिख दें हम 0.65, तो 0.65 और जमा 0.65 गुणा में 1.5, तो दशमलव में लिख लेते हैं सभी को, यहाँ ये 100 था, 2 0 थी, तो 2 के बाद दशमलव लग गए 0.65,
1.25 और 65 को इनको यानी 125 और 65 को गुणा कर लें, वो जल्दी हो जाएगा। तो इनकी गुणा यदि ठीक की है तो ये आई 8125, 8125, और दशमलव के स्थान हो गए दो ये चार, तो 1 2 3 4, तो दशमलव यहाँ आएगा। और जमा 15 और 65 को गुणा करें, 15 5 75, 7, 15 6 90 और 7 97, और दशमलव लग जाएगा 2 1 3 के बाद, तो 1 2 3 ही बने, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो कुल मिला के आया ये 1.875 जमा 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.8125 में 0.975, 975, दशमलव सीध में रखने हैं, यहाँ जीरो लगा लेनी है। 1.7875 भी, और इसको 2 से गुणा करेंगे, 1.875 जमा में 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 8 16 और 1 17, 2 7 14 और 1 15, 2 1 2 1 3, 10 आ जाएगा 4 के बाद। तो कुल मिला के हो गया ये 1.875, और इसमें जोड़ लें 3.575, 5 और 5 10, 15, 8 और 5 13 और 1 14, तो 5.450 जी, या ये जीरो लिखने का कोई फायदा भी नहीं, आप इसको लिख सकते हैं 5.45 वर्ग मीटर। तो ये तो गणना है, बाकी तो आप गणना दशमलव हटा के भी कर सकते हैं, आप सीधी भी कर सकते हैं, मुख्य बात है ये फॉर्मूले की। ये तो इसका पहला भाग है, इसमें दूसरा भी है एक भाग इसका, और दूसरा भाग क्या है, ये था इसका पहला भाग। दूसरा भाग है कि ये जो डब्बा हमें बनाया जाना है उसमें जो सीट लगनी है वो सीट 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर आती है, तो कितने की आएगी, तो 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये, और सीट लगनी है 5.45 वर्ग मीटर, तो इसको गुणा करते हैं 20 को, 20 गुणा में 5.45, तो आगे आप दशमलव हटा के भी कर सकते हैं या सीधा 20 से गुणा ही कर दें, 20 5 100, 80 लगे 10, 20 4 80 और 10 90, 80 लगे 9, 20 5 100 और 9, 109, तो ये गुणा आ गई 10 900। फिर दशमलव लगाएं कितने स्थान के बाद, 2 स्थान है इसमें तो दशमलव है नहीं, तो यहाँ लग जाएगा, तो 109.00 रुपये। अब क्योंकि दशमलव के बाद केवल जीरो है तो लिखना जरूरी नहीं है, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 109 रुपये जो है वो सीट का मूल्य जो है वो आ जाएगा। तो ये पहला सवाल था। इसी प्रकार दूसरा देखें, वो भी गणना आपका ही है, उसमें कहता है वो एक कमरा है स्कूल में, जैसे आप कमरे देखते हैं वो गणना के आकार के हैं, उनके जो फलक होते हैं जो फेसेस होते हैं वो सारे आयताकार होती हैं, तो एक कमरा जो है वो 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 3 मीटर ऊंचा है, 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों और छत पे जो है वो पेंट करवाया जाना है। तो मान लिया ये कमरा ही मान लेते हैं हम, तो पेंट कहाँ कहाँ होगा, चारों दीवारों पे होगा, छत पे होगा, लेकिन जो नीचे फर्श है उस पे नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे हमने ऊपर किया था बिल्कुल उसी तरह ये जो एक फेस है वो छूट जाएगा, और ये फेस कौन सा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई वाला, क्योंकि नीचे जमीन पे तो सफेदी नहीं की जानी है, तो सफेदी तो चारों दीवारों पे होनी है और छत पे होनी है, तल पे या नीचे ग्राउंड पे फर्श पे सफेदी नहीं होनी है, तो यही फार्मूला काम नहीं करेगा, क्षेत्रफल का ये एक कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे, बड़ा आसान है इसकी तो गणना भी आसान है, कमरे की लंबाई, दूसरा सवाल है कमरे की लंबाई यानी कि L 5 मीटर, चौड़ाई यानी कि B 4 मीटर, ऊंचाई जिसे हम H से लिखते हैं 3 मीटर,
तो हमें क्या निकालना है, चार दीवारी जमा छत का क्षेत्रफल। तो ये जो दो एल बी है इसमें से कितने रह जाएंगे, एक एल बी रह जाएगा जी, नीचे फर्श का छोड़ देना है, जमा ये दो दो ही रहेंगे। तो दो कॉमन ले लें, बी एच जमा में एच एल, और अब ये मान रख दें एल बी का मतलब पांच गुना चार दो, बी एच, बी एच का मतलब चार गुना तीन एच एल, एच तीन एल पांच, तीन गुना पांच, तो पांचों के बीस, दो चार तीये बारह, तीन पंजे पंद्रह, पंद्रह और बारह हो जाएंगे सताईस, तो बीस दो गुणा सताईस, सताईस दूनी हो जाएगा चौवन, और चौवन और बीस हो जाएगा चौहत्तर वर्ग मीटर। यानी वो क्षेत्रफल, वो सतह जिसपे सफेदी की जानी है चौहत्तर वर्ग मीटर है, और सफेदी होनी है 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो एक वर्ग मीटर क्षेत्र पर सफेदी कराने का खर्च, सफेदी का खर्च है 7.5 रुपए, और हमें जिस सतह पे करवानी है वो है 74 वर्ग मीटर। तो 74 वर्ग मीटर पर खर्च क्या, सफेदी करवाने का खर्च 7.5 गुणा में 74। अब इसका दशमलव यदि आप हटाना चाहते हैं हटा लें, नहीं तो 74 को 75 को गुणा करके और दशमलव लगा दें, तो देखते हैं शायद पूरा कट जाए, 775/100 गुणा में 74। एक जीरो से एक जीरो काट दें, पाँच पे 15 5 75, पाँच पे दो, और ये दो पे कट जाएगा 37 पे, 15 और 37 को गुणा करें, 15 7 105, 15 3 45 और 10 55, उत्तर आ जाएगा 555 रुपये जो है वो खर्च आएगा स्पेदी करवाने का। अगला है तीसरा, वो थोड़ा सा अलग तरह से है, आयताकार हाल के फर्श का परिमाप। मान लिया ये आयताकार हाल आपका, तो फर्श का परिमाप, नीचे फर्श परिमाप होगा चारों कनी या चारों जो इसकी विमाएं हैं इनका जोड़ जी। यहाँ से शुरू करें इस तरह से, और फिर यहीं तक जो ये जोड़ होगा ये होगा इसका परिमाप। इसमें क्या हो जाएगा, ये लंबाई, ये चौड़ाई, फिर ये लंबाई और फिर ये चौड़ाई, यानी कि दो लंबाई और दो चौड़ाई आएंगी परिमाप के लिए। तो तीसरा है, माना हाल की लंबाई जो है वो L है और चौड़ाई जो है वो B है, तो आपको क्या दिया हुआ है कि परिमाप क्या होगा, तो अभी अभी आपको बताया परिमाप क्या होगा, दो लंबाई और दो चौड़ाई। तो दो हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, अंदर रह जाएगा L जमा B, और ये दिया हुआ है कि ये परिमाप जो है वो 250 मीटर है। ये जो 2L जमा B जो है वो है 250, इस 2 को बेशक आप उधर ले जाएं तो L जमा B बराबर 250, यहाँ पर ये गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा ये 2, और ये 125 पे कट के 125, यानी आपके पास ये आ जाएगा कि लंबाई जमा चौड़ाई जो है उसकी 125 है, जिसको यहीं रख लें। अब क्या करें, जैसे अभी ऊपर वाला हमने किया था, उसकी चारों दीवारों पर पेंट का जो खर्च है, अब उसकी चारों दीवारों का जो होगा वो क्या, कौन सा क्षेत्रफल होगा, चारों दीवारें, ये इसके सामने, ये इसके सामने, अब ऊपर वाला भी छोड़ना है नीचे वाला भी, मतलब ये दोनों ही छूट जाएंगे, एल बी ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, ऊपर वाला लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एल बी, और इसके सामने भी एल बी, तो इसलिए कौन सा रह जाएगा क्षेत्रफल, सिर्फ ये रह जाएगा। तो क्या है वो, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का जो खर्च है वो 15,000 रुपए है, 15,000 रुपए टोटल खर्च है, और जो है 10 रुपए में एक वर्ग मीटर पे जो है वो पेंट होता है। तो पहले हम निकालेंगे चार दीवारी का क्षेत्रफल है कितना, कैसे निकालेंगे कि 10 रुपए व्यय या खर्च होता है
पेंट का 10 रुपये खर्च होता है, कितने पे? एक वर्ग मीटर पेंट करवाने पर जी। और 1 रुपया खर्च होता है तो ये 10 आगे इधर हो जाएगा, 1/10 खर्च हुआ है 15,000 जी। तो 15,000 रुपये खर्च होगा तो 1/10 × 15,000, 1 0 कट जाएगी और ये रह जाएगा 1500 वर्ग मीटर। अर्थात जितना क्षेत्रफल हमने पेंट करवाया है वो 1500 वर्ग मीटर है, और पेंट करवाया है कहाँ पर? उसकी चारों दीवारों पे, इसलिए चार दीवारी का जो क्षेत्रफल है वो 1500 है। पंद्रह सौ वर्ग मीटर, यहाँ ऊंचाई भी मान लें आप उसकी जो आपको निकालनी है, ऊंचाई कितनी मान लें? h। अब चार दीवारी का क्षेत्रफल भी बताया था हमने कि ये छोड़ दें तो ये चार दीवारी का रह जाएगा पीछे वाला, और दो कॉमन ले लें इसमें से तो 2 LBH + HL जी, BH + HL बराबर कितना? अब ये निकाला हमने कि ये कितना है, 1500, इसमें से एच कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा B + L बराबर 1500, लेकिन B + L कितना है? ये ऊपर लिखा हुआ है B + L तो 125 है, तो इसका मान रख देंगे हम 125। चाहो तो आप लिख दें कि ये कहां से आया 125, कि एक से। अब एच हमें निकालना है तो 2 और 125 को उधर ले जाएं, इसलिए h बराबर हो जाएगा 1500 भाग, क्योंकि इधर ये गुणा है तो उधर आगे भाग हो जाएगा, 2 भी नीचे आ जाएगा, 125 भी नीचे आ जाएगा। 25 का पहाड़ा लगाते हैं, 25 × 125, 25 × 6 = 150, फिर 5 पे काटेंगे 12, फिर 2 पे काटेंगे 6, और अंत में उत्तर आ जाएगा कि उसकी जो हाल की ऊंचाई है वो कितनी है, 6 मीटर है। तो ये हमारा तीसरा सवाल था, तो बाकी जो सवाल हैं वो फिर अगले वीडियो में करेंगे, आज हम ये 3 ही सवाल इसके करेंगे। हैव ए नाइस डे।